डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज का आपका टॉपिक है संविधान में मौलिक प्रावधान। संविधान में मौलिक प्रावधान, संविधान में मौलिक प्रावधान क्या होते हैं, इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि टॉपिक से ही क्लियर है कि संविधान में अगर मौलिक प्रावधान नहीं है उस देश के संदर्भ में, किसी देश का कोई संविधान है अगर वहाँ के संविधान में मौलिक प्रावधान नहीं है वहाँ के निवासियों के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए, अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, किसी धर्म विशेष को विशेष महत्ता दिया गया, किसी धर्म विशेष को कम महत्ता दिया गया, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे वो संविधान सफल नहीं होगा। भारतीय संविधान में क्या विशेषता है कि भारतीय संविधान स्वतंत्रता, समानता, न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भारतीय संविधान अन्य संविधानों की अपेक्षा सफल है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता व न्याय के सिद्धांतों पर आधारित व्यवस्था भारतीय संविधान प्रावधान प्रदान करता है, जबकि अन्य संविधानों की अपेक्षा ये काफ़ी अच्छा है। भारतीय नागरिकों को विभिन्न स्वतंत्रताएँ प्रदान की गई हैं, विभिन्न समानताएँ प्रदान की गई हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। अगर संविधान में किसी वर्ग विशेष को विशेष महत्ता दी जाएगी, एक वर्ग को कम महत्ता दी जाएगी, जैसे कोई देश का संविधान है किसी जाति विशेष को महत्व प्रदान करता है और दूसरे किसी जाति को महत्वहीन समझता है, यानी उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में एक जाति को महत्व देना, दूसरे जात के लोगों को महत्व न देना, अगर उस तरह का संविधान है तो ऐसे संविधान क्या होगा, उस देश के लिए सफल नहीं होगा। किसी भी देश के संविधान की सफलता इस बात पर निर्भर है कि वहाँ के नागरिकों में जितने भी नागरिक हैं वहाँ के, उन सभी के लिए विशेष व्यवस्था दी जाए कि किसी भी तरीके की कोई भेदभाव की स्थिति न बने, चाहे सरकार के माध्यम से हो, चाहे सरकार के अंगों के माध्यम से हो, किसी तरह की भेदभाव की स्थिति ना बने, तभी वह संविधान सफल हो सकता है। भारतीय संविधान इस तरह का संविधान है। यहाँ पे सरकार के अंग जो हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका, तीनों की सीमाएं निर्धारित हैं। तीनों अपने अपने सीमाओं में रह करके कार्य कर सकते हैं, तीनों में किसी प्रकार का विभेद नहीं है। तो इस तरह से भारतीय संविधान में कुछ मौलिक प्रावधान किए गए हैं, चाहे शासन व्यवस्था के संदर्भ में हो, चाहे नागरिकों के लिए। अगर सरकार अपनी नीतियों का निर्धारित करती है, जो भी नीतियाँ बनाती है, तो भारतीय संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों के अनुकूल ही अपनी नीतियों को क्रियान्वित करती है। जैसे नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो सभी सरकारों को उस नीति निदेशक तत्वों को अपनी नीतियों को बनाते समय उन चीज़ों को प्रावधान करना आवश्यक है, उन चीज़ों को सम्मिलित करना आवश्यक है। किसी भी तरीके का, किसी भी तरह का किसी के साथ भेदभाव की स्थिति नहीं उत्पन्न की जा सकती, चाहे सरकार के माध्यम से, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि भारतीय संविधान इस तरह का प्रावधान देता है लिखित रूप में कि उस तरह से शासन व्यवस्था संचालित होगा जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। संविधान के प्रति किसी भी देश का संविधान तभी सफल होगा जब इस बात पर निर्भर करता है कि प्रत्येक नागरिक उसका क्या करे, सम्मान करे, उसका आदर करे, और इस सम्मान और आदर के पीछे जो उसका मौलिक प्रावधान होता है वो चीज़ें होती हैं। अगर संविधान में नागरिकों के लिए, सरकार के लिए कुछ मौलिक प्रावधान नहीं दिए गए हैं, तो उस देश के नागरिकों के द्वारा उस संविधान का सम्मान नहीं किया जाएगा। लेकिन भारतीय संविधान कह सकते हैं कि महानतम संविधानों में से एक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि भारतीय संविधान में वो सभी प्रावधान हैं, चाहे वो नागरिकों के लिए हो, चाहे सरकार के लिए हो, सरकार के अंगों के लिए हो, चाहे व्यवस्थापिका के लिए हो, चाहे कार्यपालिका के लिए हो या फिर न्यायपालिका के लिए हो, तीनों के लिए प्रावधान है, नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान है, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इस तरह से जो विशिष्ट प्रावधान बनाए गए हैं सबके लिए कि किसी भी तरीके का विरोधाभास न हो, किसी भी तरह का दिक्कत न हो, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान जो है
महत्वपूर्ण माना जाता है और अन्य संविधानों की अपेक्षा सबसे अच्छा संविधान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ों को एक प्रकार से कह सकते हैं, ऐसे प्रावधान दिए गए हैं कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरह से हमारा आज का विषय वस्तु जो है कि भारतीय संविधान में मौलिक प्रावधान वो नागरिकों के लिए, सरकार के अंगों के लिए किस तरह से बनाया गया है, इस आधार पर भारतीय संविधान जो है नागरिकों के लिए सम्मान के युक्त कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है इस तरह से है कि प्रत्येक नागरिक के लिए सम्मान युक्त है। भारतीय संविधान जो है सबके लिए सर्वोपरि माना गया है, इसलिए सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि सभी वो प्रावधान हैं जिससे एक बेहतर और सुंदर जो है शासन चलाने के लिए उपयुक्त है। तो इस तरह से भारतीय संविधान जो है क्या ऐसा है, सबसे सर्वोत्तम और अच्छा माना जाता है। मौलिक प्रावधानों में जैसे मूल अधिकारों की व्यवस्था है, मौलिक प्रावधानों में मूल अधिकारों की व्यवस्था प्रदान की गई है संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को। तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो हैं, सरकार इन मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। तो इस तरह से भारतीय संविधान में नागरिकों के हितों के लिए, उन्हें उनके विकास के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। दूसरा, नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। विचार अभिव्यक्ति की, भ्रमण की, तो विचार अभिव्यक्ति जैसे स्वतंत्रता है, तो इस तरह की स्वतंत्रताएं लोगों को वैचारिक लेवल पे मजबूत करती हैं। सरकार की नीतियों की वो आलोचना कर सकते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता दी गई है, कोई समूह या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इस तरह से जो विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में है वो संविधान की उच्चतम श्रेणी को ले जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक प्रावधान हैं, इन प्रावधानों के कारण भारतीय संविधान अपने आप सर्वोच्चता के शिखर पर पहुंच जाता है कि सबसे बेहतर संविधान है। अगली कड़ी में इसी में भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों का समावेश है। नीति निदेशक तत्वों का समावेश है, इसका तात्पर्य है कि सरकार जब भी अपनी नीतियाँ निर्धारित करे तो जो नीति निदेशक तत्वों में जो भी तत्व सम्मिलित हैं भारतीय संविधान में, जो भी जिन तत्वों का उल्लेख किया गया है, सरकार जब भी अपनी नीतियाँ बनाए तो इन तत्वों को सम्मिलित करे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मूल अधिकारों की व्यवस्था, नागरिकों की स्वतंत्रताएँ प्रदान की गई है, नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, सरकार के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तीनों को स्वतंत्रताएं दी गई हैं, किसी भी रूप में एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करेंगे। न्यायपालिका स्वतंत्र व्यवस्था दी गई है, ना व्यवस्थापिका ना ही कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है। तो इस तरह से कह सकते हैं बहुत सारे प्रावधान हैं, शासन व्यवस्था कैसे संचालित हो भारत में, किस तरह से संचालित किया जा सके, इन सभी प्रावधानों के होते हुए भारतीय संविधान जो है सर्वोच्च श्रेणी में आता है। तो इस तरह से हमारा विषय वस्तु यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।